इस्लाम और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है? सियासत की कितनी डायमेंशन है? दीन इस्लाम कितनी डायमेंशन में सियासी मामलात को देखता है और इसके हवाले से इस्लाम के क्या तसव्वुरात हैं? आज हमारी गुफ्तगु इसी एतबार से रहेगी, द रिलेशनशिप बिटवीन इस्लाम एंड पॉलिटिक्स। इस्लाम और पॉलिटिक्स के अंदर क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या बाहमी ताल्लुक और बाहमी तौर पर मुनासबत है जिसकी बुनियाद पर हम इस्लाम और पॉलिटिक्स, इस्लाम और सियासत के तसव्वुरात को इस्लामी नज़रियात और अफकार की रोशनी में समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम हमें ज़िंदगी के हर हर शोबे में रहनुमाई करता है। दीन इस्लाम ने जहाँ एक इनफरादी ज़िंदगी और एक फैमिली और घर के माहौल को डिस्कस किया, वहाँ एक रियासत, एक मुल्क और एक ममलुकत में रहने वाले अफराद और फिर उस पर जो कुव्वत नाफिज़ा है, वो कुव्वत नाफिज़ा जो हकूमत करती है, जिसके अंडर आवाम होती है, उस कुव्वत नाफिज़ा के एतबार से इस्लाम ने जो तसव्वुरात दिए उसको हम इस्लाम एंड पॉलिटिक्स, इस्लाम और सियासत के तनाजुर में देखते हैं। सियासत का लफ्ज़ यूं तो आज के दौर में मुख्तलिफ तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। बाज़ तो हकीकत के ख़िलाफ़ बात करना सियासत कहते हैं। बाज़ के नज़दीक अगर कोई भी चीज़ हकायक से हटकर हो और कोई शख्स अपनी बात को घुमा फिरा के यूं कहे कि जिसमें उसका ताल्लुक रियलिटी और हकीकत से ना हो, तो अमूमन हमारे यहाँ ये लफ्ज़ सियासत के तौर पे इस्तेमाल होता है कि ये बंदा सियासत कर रहा है, यानी हकीकत के खिलाफ बात कर रहा है। हालांकि ये आज के दौर का यूज्ड है, आज के दौर का इस्तेमाल है, वगरना सियासत का लफ्ज़ जो है वो हकीकत के ख़िलाफ़ बात करने के माना में नहीं आता। सियासत का लफ्ज़ जो है वो तो दीन इस्लाम में एक खिदमत के माना में आता है, यानी जो शख्स किसी की खिदमत पे मामूर हो जाए, उस डेजिग्नेशन को या उस मनसब को हम सियासत से ताबीर कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे, उनमें से जो भी वफात पा जाता तो फिर अगले नबी आ जाते। ये सिलसिला चलता रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहाँ तक कि मैं आ गया, अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के अंबिया की सियासत का जिक्र किया, तो इससे पता चला कि अंबिया किराम भी सियासत करते थे, जिसका माना खिदमत है, आवाम की खैरखाही है, लोगों के लिए अच्छे जज्बात हैं, लोगों को खिदमत के तौर पर बहुत सी चीज़ों को प्रोवाइड करना है और रिफाए आमा और ऐसे मामलात जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है, उन ज़रूरियात की तकमील के लिए कोशिश करना, ये सारी की सारी चीज़ें फिर सियासत के माना में आ जाती हैं। इस्लाम पॉलिटिक्स की ममानत नहीं करता, लेकिन आज जो मुदाहनत या मुनाफ़कत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा, इस सियासत को या इस तरह अपनी बात को किसी के सामने हकीकत के ख़िलाफ़ बयान करना या अपने जहन में पहले से ही ये बात रखना कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए बात कह रहा हूँ और बाद में अपनी बात को चेंज कर लेना, अपने वादे को पूरा ना करना और अपनी कही हुई बात पे कायम ना रहना, अमूमन इसको सियासत से ताबीर किया जाता है। हालांकि ऐसा माना इस्लामी नुक्ता निगाह से सियासत का नहीं है।
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मदीना मुनव्वरा की रियासत के अंदर एक खूबसूरत हिकमत अमली के तहत सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पे जमा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सियासी हिकमत अमली थी, ये आपका तदब्बुर था कि आने वाले वक्त में वो लोग आपके हुस्ने अखलाक से मुतासिर होके इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो गए। ऐसी हिकमत अमली जिसके पीछे मुसलमानों का बेनिफिट्स हो, मुसलमानों का फ़ायदा हो, मुल्कों कौमों मिल्लत के बहुत से एडवांटेजेस और फवायद और बेनिफिट्स उसमें पोशीदा हों, तो फिर ऐसी सियासी हिकमत अमली अपनाना दुरुस्त भी है और इसकी इस्लाम इजाज़त भी देता है, क्योंकि इसके अंदर आवाम की खैरख्वाही है और आवाम की खैरख्वाही यही कुव्वत नाफिजा और एक हकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम बुनियाद रखता है किसी भी रियासत और हकूमत को एक बेहतरीन राहों पर चलाने के लिए। जब हम किसी भी इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम का जायज़ा लेते हैं, एक इस्लामी निज़ाम सियासत की बात करते हैं, तो उसमें समाज की बात है, उसमें मुआशरे की बात है, उसमें समाजी रवैयों की बात है, उसमें समाजी ताल्लुकात की बात है, उसमें लोगों की खैरख्वाही को पहले पेशे नज़र रखा जाता है। यानी इस्लामी निज़ाम सियासत के अंदर एक शहरी के भी जान माल इज्जत आबरू के तहफ्फुज का खसूसी दर्स दिया जाता है, जहां किसी एक शहरी की भी इज्जत जान माल आबरू को दाव पे लगना लाजिम आता हो, ऐसा निज़ाम इस्लाम उसकी इजाजत ही नहीं देता। दौरे फारूकी में पहला बहरी बेड़ा ईजाद हुआ तो आपके सामने उसको एक्सप्लेन किया गया कि अगर हम इस बाहरी बेड़े पे सवार होकर जाएं तो हम कुस्तुनतुनिया से लेकर स्पेन तक और बड़े बड़े जनूबी अफ्रीका के इलाके फतह कर सकते हैं। आपने कहा कि इसके सामने क्या सूरत हाल है, इसको कैसे चलाया जाएगा। उस वक़्त चूंकि अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक़्त कपड़े बांध कर बाद बांध के साथ हवाओं की सिमत के साथ बहरी बेड़े को चलाया जाता है। आपके सामने जब उसको एक्सप्लेन किया गया कि जब हवा उस मुल्क की सिमत चलेगी हम इस बहरी बेड़े में सवार हो जाएंगे और हवाओं के साथ चलते हुए बादबान खोलकर इजी हम आसानी से उस इलाके तक पहुंचकर उसको फतह कर लेंगे। आपने कहा कि अगर हवा मुखालिफ चल जाए तो कहा फिर तो डूबना यकीनी है, क्योंकि मुखालिफ हवा पर फिर ये कायम नहीं रह सकता, क्योंकि उस वक़्त इतनी टेक्नोलॉजी ना थी। हजरत फारूक आजम का ये तारीखी जुमला आप फरमाते हैं, वो फतुहात से ज्यादा मुझे अपने शहरी की जान और उसकी इज्जत अजीज है, मैं उसकी जान को ज्यादा अजीज रखता हूं उस फतुहात से। इसका मतलब कि इस्लाम के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया, जिसके अंदर हमें इस्लाम के बुनियादी खतूत मिलते हैं, चूंकि इस्लाम कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं करता, इस्लाम ने इसमें भी डिफरेंट डायमेंशन दी हैं। ये इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक मल्टी डायमेंशन वर्ल्ड है, इसके अंदर डिफरेंट उसूल बताए गए, इसमें मुख्तलिफ तरीका कार बताए गए। अगर जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का इंतखाब होता है सकीफा बनी सादा में, उसका तरीका कार और रखा गया। दौरे फारूकी के आगाज में अगर चंद अजिल्ला सहाबा की मुशावरत से आपको खलीफा मुकर्रर किया गया, इसका अंदाज और रखा गया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह के इंतखाब का तरीका कार हो या हजरत मौला मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम, आपका दौरे इंतखाब हो, आपका इंतखाब खिलाफत हो, ये इंतखाब खिलाफत जुदा जुदा हैं।
इसका मतलब कि इस्लाम ने किसी एक सिस्टम पर इसरार नहीं किया, इस्लाम ने जो सियासी निजाम दिया, इस्लाम ने जो सियासत का और एक पॉलिटिक्स का तसव्वुर दिया, उसमें शोराई निजाम रखा जिसमें मुशावरत के लिए मजलस आमा को मुकर्रर किया जाता है, जिसमें मजलस शूरा बनाई जाती है, जिसमें कुव्वत नाफिजा कानून नाफिज करने वाली एक कुव्वत और ताकत को सुप्रीम लेवल पे, एक आला लेवल पे, आला दर्जे पर तस्लीम किया जाता है। जिस वक्त कुव्वत नाफिजा आला दर्जे पर होगी तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मजलिस मुशावरत हो, मजलिस शूरा हो, मजलिस आमिला हो, फिर इसी तरह नीचे बॉडी बनती रहती है। इसी अंदाज में इलाकाओं में, सूबों में, और फिर चलते चलते मुल्क और रियासत के अंदर फिर मुसलमानों के माबैन एक खूबसूरत निज़ाम तरतीब पाया जाता है। ये वो सियासी निज़ाम होता है जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। इस्लाम का अगर हम सियासी निज़ाम देखें, पॉलिटिकल सिस्टम देखें, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में हिकमत अमली और रखी, क्योंकि उस वक़्त मुसलमान माइनॉरिटीज थे, गैर मुस्लिम मेजॉरिटी थे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाखली और अपने अंदरूनी मामलात को बहुत से हिकमत अमली के साथ चलाते हुए इंतशार के मामलात को और खारजा पॉलिसी के ताल्लुकात को ज्यादा तौर पर आपने डिस्कस नहीं किया। लेकिन जिस वक़्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम मक्का मुकरमा से हबशा पहुंचा और दीगर ममालिक में, तो वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अंदाज में इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपकी सियासी हिकमत अमली चेंज हो गई। आपने खूबसूरत अंदाज में एक पॉलिटिकल सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए पूरी रियासत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। लेकिन कुव्वत नाफिजा और इक्तदार का जो खूबसूरत तसव्वुर रखा गया, जिसमें किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कुव्वत नाफिजा की वो कैफियत को नाफिज करने के हवाले से साबित किया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार में रखा। और यही इस्लाम का वो हुसन है जो आज भी हम किसी भी इस्लामी रियासत में इस्लामी उसूलों के मुताबिक किसी भी हुक्म को, कानून को नाफिज करने के लिए अपना सकते हैं। इस्लाम का निज़ाम सियासत, इसके अंदर इक्तदार आला का तसव्वुर अल्लाह के लिए होता है। इस्लाम के निज़ाम सियासत में हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का होता है। इक्तदार आला का तसव्वुर अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला के अहकाम को नाफिज करने के लिए हुक्मरान को जो कुव्वत नाफिजा रखने वाली ताकत है, उन इदारों को इस्लाम कहता है कि वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अपने अपनी ममलुकत के दायरेकार में उन अहकाम को नाफिज करेंगे जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया। इस तरह इक्तदार आला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हुआ। हुक्मरान एक नुमाइंदा होता है जो नुमाइंदे की हसीयत से अहकाम इलाही को नाफिज करता है। उसके साथ पार्लियामेंट है, उसके साथ असेंबली के लोग हैं, उसके साथ उसकी पार्टी के लोग हैं। इस्लाम ने कुछ अहकाम ऐसे भी दिए जिसमें अपनी अपनी पार्टी से बालातर होकर हक के साथ देने की बात की। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उस पार्टी का एजेंडा या उसका कोई मंशूर का ऐसा हिस्सा जो कुरान और सुन्नत के हुक्म के खिलाफ हो, टकराता हो, तो फिर उस पार्टी का वो नुमाइंदा अगर चाहे तो फिर वो उसके खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करके उससे उस हुक्म के मुताबिक डालने की कोशिश करे जो अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक है। इस्लाम ने
पार्टियों में तकसीम होकर एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होने की इजाजत नहीं दी। इस्लाम ये कहता है कि अगर ना कटा हबशी गुलाम भी तुम्हारा अमीर बन जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ना कटा का मतलब अमूमन लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में मयार दौलत और पैसा नहीं है, इस्लाम में मयार इल्म है। तो फरमाया अगर ना कटा हबशी गुलाम भी तुम्हारा हुक्मरान बन जाए, वजीर आजम बन जाए, तुम्हारा हाकिम बन जाए, लेकिन चलाए तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, तो तुम उसकी जात को ना देखो बल्कि उसके अहकाम जो अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक है उसके मुताबिक तुम अमल करते जाओ और उसको अपनाते जाओ। इसका मतलब यह है कि इस्लाम हमें पार्टियों से बालातर होकर यह हुक्म देता है कि तुम देखो कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो मंशूर हैं या उनके जो तहफुजात और मामलात हैं दूसरी पार्टी के हवाले से, अगर दूसरी पार्टी में आवाज हक बुलंद हो तो फिर अपने जाती मफाद को बालाए तर रखते हुए फिर हक का साथ देना चाहिए। और यही इस्लाम की खूबसूरती है जिसमें अवाम और हुक्मरान के लिए एक जैसा मयार इंसाफ रखा गया, एक जैसा हुक्म रखा गया। अगर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह नो मिंबर पे जुमे के दिन कहें कि मैं हक महर मुकर्रर करने लगा हूं औरतों के लिए ताकि इख्तिलाफ ना हो, तो मजमे में एक खातून उठ के कहती हैं कि अल्लाह ताला तो फरमाता है व आतुन निसा सादुकात हिन्ना नेहला, औरत को खुशी खुशी हक महर दिया जाए। अल्लाह ताला ने तो उसको मुकर्रर नहीं किया, जिसको अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया आप कैसे कर सकते हैं। फारूक आजम ने फौरन अपनी बात पे रजू किया और कहा इस खातून ने ठीक कहा और आपने उसको मुकर्रर ना किया। इसका मतलब कि इस्लाम ने एक आम बंदे की बात पर भी हुक्मरान को तवज्जो करने का हुक्म दिया है। चे जाएंगे अगर कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी का बंदा अगर बात कहे तो इंसान उसको अक्सर मुस्तरद कर दे, लेकिन इस्लाम ने जो निजाम दिया एक सियासत का, उसमें खिलाफत के खूबसूरत अशकाल, खूबसूरत अकवाल और खूबसूरत वो बातें हमें अता की हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमारी तरफ मुंतकिल हुई। उसमें खिलाफत का तस्वुर इसलिए दिया ताकि इक्तदार आला का तस्वुर अल्लाह के लिए रहे। फिर उस निजाम सियासत में जितने भी अफराद हों वो सारे के सारे अपने अपने दायरे कार के मुताबिक, अपनी अपनी हदूद व कयूद के मुताबिक अपना अपना काम करें, कोई किसी की डोमेन में हाथ ना डाले, अपनी अपनी डोमेन में हाथ डालें। यही वो तरीका कार था कि जनाबे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने जब एक खूबसूरत पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद रखी तो आपने मजलिस शूरा के अफराद से मुशावरत का सिलसिला रखा, महकमा इफ्ता में दीनी मसाइल के हल के लिए उनकी जिम्मेदारी सौंपी, आपने एक जुडिशियल सिस्टम दिया और इस्लाम के निजाम अदल के लिए बाकायदा काजियों का इंतखाब किया गया और काजियुल कुजात का एक मनसब जो है मुकर्रर किया गया। फिर ये जो काजी थे, ये जो इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे थे, ये मुआशरे में इंसाफ मुहैया करना शुरू हो गए। इस तरह शूरा अपना काम कर रही है, मजलिस आमला अपना काम कर रही है, महकमा इफ्ता वाले दीन इस्लाम की खूबसूरत तरीके के साथ ताबीर करते हैं, इससे खूबसूरत मुआशरा पिनपने लगता है, हर एक अपनी अपनी डोमेन में काम करता है जिसमें किसी अमीर और गरीब का फर्क नहीं रखा जाता, जो मनसब पे बैठे उसको खिदमत का एक खूबसूरत तसव्वुर दिया जाता है। इसी वजह से इस्लाम ने बेहतरीन सियासी निजाम को मुतारफ कराते हुए पूरी दुनिया के सामने इंसान की खुशहाली का तसव्वुर पेश किया।
इस्लाम ने मुआशरती निज़ाम के अंदर जहाँ लोगों को बहुत सी चीज़ों के अंदर फलाह का और रिफा का तसव्वुर दिया, वहाँ खिदमत के जज्बात रखे, जहाँ अवाम एक दूसरे के लिए खैरखाही के जज्बात, खैर सगाली के जज्बात रखती है, वहीं एक इस्लामी सियासी निज़ाम में अवाम और हकूमत के दरमियान भी एक खूबसूरत ताल्लुक कायम कर दिया गया। इसीलिए इस्लाम ने यहाँ ख़ास तौर पर हुक्म दिया कि अपने अपने निज़ाम में अवाम भी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चले और हुक्मरान भी कवानीन बनाते हुए कुरान और सुन्नत के उसूल के मुताबिक कवानीन बनाएं। जिस वक़्त हुक्मरान से लेके अवाम तक हर एक कुरान के पैरामीटर्स के मुताबिक, कुरान के उसूल के मुताबिक अहदीसे मुबारका और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन प्यारे फरमुदात की रोशनी में जब इस्लामी सियासी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक खूबसूरत मुआशरा पनपना शुरू हो जाता है। मुआशरा अफराद के मिलने से बनता है, अकवाम और कौमें किसी भी नज़रिए पे बनती हैं, मजहब अकायद की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आता है। इसीलिए दीन और मजहब में जब अकायद की बात हो, कौमों में जब नज़रियात के तसव्वुरात हों, तो फिर अवाम अपने नज़रियात और कौमें अपनी अफकार से जुड़कर अपने दीन और मजहब के अकायद को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि फिर माशरे में खुशहाली का दौर दौरा होता है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लामी सियासी निज़ाम जो किसी एक चीज़ पर इसरार नहीं कर रहा बल्कि वहाँ फलाह रियासत का तसव्वुर है, फलाह इंसानियत का तसव्वुर है, जो फलाही रियासत इंसान के फलाह बहबूद का काम करे, फलाह बहबूद के हवाले से लोगों के सामने इश्काल पेश करे, यही इस्लाम का खूबसूरत सियासी निज़ाम है। आज बहुत से क्राइसिस मुसलमान उसका सामना कर रहे हैं। अगर हम अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें तो आज मुसलमान जो मुल्की तौर पर जुदा जुदा हो गए और अपने अपने मकासिद और जाती मफाद के लिए अपने अपने ममालिक की जिद्दोजहद में लग गए, उससे मुसलमानों का शेराजा बिखर गया। मुसलमान एक खिलाफत उस्मानिया के तहत रहे, पूरी दुनिया में एक खलीफा था। इकबाल कहते हैं, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। जिस वक्त मुसलमान सारे अपनी मुल्की और जोग्राफियाई सरहदों से बालातर होकर एक कलमे की बुनियाद पर वहदत थे, तो मुसलमानों के तमाम बेनिफिट्स, फवायद, एक दूसरों से मुआशरती और मुआशी फवायद और फिर एक दूसरों के साथ बाहमी तकवीयत के मामलात एक दूसरे को मजबूत करते रहे। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मोमिनु लिल मोमिने कल जसदिल वाहिद, फरमाए मोमिन मोमिन के लिए एक जिस्म की तरह है। और एक मकाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए एक जिस्म की तरह है और अपनी उंगलियां ऐसे डाल के। और एक मकाम पे फरमाया कि मोमिन मोमिन के लिए एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो उस दर्द में जिस्म का दूसरा हिस्सा भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब कि दीन इस्लाम ने हमें जो तसव्वुर दिया उसमें यह बात वाजे की कि मुसलमान जोग्राफियाई सरहदों से बालातर होकर एक कलमे की बुनियाद पर मिल्ली वहदत कायम करे, और यही इस्लाम का एक खूबसूरत सियासी निज़ाम है। जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह के दौर में आधी दुनिया तक इस्लाम फैला, 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की सरहदें फैल गई और वहां एक ही निज़ाम हकूमत था, एक ही अंदाज और स्टाइल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अहकाम नाफिज किए गए। मुसलमान माली तौर पर भी खुशहाल हुए, माशरती तौर पर भी खुशहाल हुए, इल्म की जौलानियां दिखाई देने लगी, लोगों की अफकार और सोच इतनी मजबूत हो गई कि अफकार और सोच की मजबूती के साथ
लोग हर हर मामले में कामयाबी की राहों की तरफ गामजन होने लगे, मुआशरा आगे बढ़ने लगा। हमें अपने मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए फिर दोबारा से मिल्ली वहदत की जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा, अगर आज मुस्लिम यूएनओ बनाए, मुस्लिम अकवामे मुत्तहिदा कायम करे, अगरचे ओआईसी हमारा एक इदारा है, उसी को फाल किया जा सकता है। अगर ओआईसी को फाल किया जाए, दुनिया के तमाम तकरीबन 57 रियासतें हैं, 57 कंट्रीज, अगर मिलकर मुस्लिम यूएनओ और ओआईसी जैसे इदारे को मजबूत करके अपने मुआशी, मुआशरती, इक्तिसादी और अपने सियासी मकासिद के लिए यकजहती का इजहार करें, तो दुनिया में एक बेहतरीन इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम की डेवलपमेंट हो सकती है, जिससे दुनिया के अंदर मुसलमानों का इत्तेहाद इनको मुआशी बहरान से निकाल सकता है, ये सोशल क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो मुस्तकबिल उसी वक्त ताबनाक होगा कि जब हम अपने अपने जाती मफाद को छोड़कर उम्मत के तमाम फवायद और बेनिफिट्स को देखते हुए हम इस्लामी सिस्टम की डेवलपमेंट और इस्लामी पॉलिटिकल सिस्टम उसकी डेवलपमेंट की बात करें। इस्लाम और सियासत के ताल्लुकात को आज हमने डिफरेंट डायमेंशन के साथ और डिफरेंट तरीकों के साथ और स्टाइल के साथ डिस्कस किया। तारीख के अदवार में देखें तो अहदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खुलाफाए राशिदीन तक, इन तमाम अदवार में, फिर बनू उमैया से लेकर बनू अब्बास तक, हमें मुसलमानों के सियासी निजाम की और पॉलिटिकल सिस्टम की डिफरेंट सूरतें नजर आती हैं, क्योंकि यह इस्लाम की फ्लेक्सिबिलिटी है। इस्लाम किसी एक सिस्टम पर इसरार नहीं करता। सियासत का लफ्ज आज मुनाफकत के लिए, झूठ के लिए, फरेब के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई शख्स कहे कि मैंने फलां बात की तो लोग कहते हैं ये सियासत कर रहा है, यानी धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। हालांकि सियासत का लफ्ज तो खिदमत के लिए था। सियासत तो अंबिया किराम करते रहे, कानत तसूसुहुमुल अंबिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते रहे। ये एक खिदमत है, ये तो सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला नो, आपने जिस वक्त खिलाफत का मनसब संभाला तो लोगों से कहा, मुझे इसकी कभी भी ख्वाहिश ना रही, अगर तुम में से कोई भी अहल है आए और इस सीट पे बैठे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला नो ने जैसे ही इस मनसब को संभाला तो आपने अवाम से पहला खुतबा देते हुए कहा, अस सुल्तान वलीयुन लिमन ला वलिया लहू। आज उमर ने यह मनसब संभाल लिया है जिसका दुनिया में कोई वाली वारस नहीं, उमर उसका वाली वारस है। आपने तारीखी जुमला कहा, दिजला के किनारे भी अगर एक कुत्ता प्यास से मरे, फारूक आजम से उसके बारे में पूछा जाएगा। इस्लाम ने तो सियासत को एक खिदमत से ताबीर किया जिसमें 17 पैबंद लगे हों और 26 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा रहा हो। दीन इस्लाम सियासत के निजाम को शूरा के निजाम से जोड़ता है। दीन इस्लाम निजाम सियासत को खिलाफत से ताबीर करता है। इस्लाम इक्तदार आला का तसव्वुर अल्लाह के लिए रखता है और हुक्मरान कुव्वत नाफिजा करने वाली ताकतें, ये वो कुव्वत है जो किसी भी मुल्क में किसी भी निजाम को नाफिज करती हैं, और निजाम अल्लाह उसके रसूल ने दिया है और उनके तहत फिर मजलिस शूरा है, मजलिस आमला है, और फिर इलाकाई कमेटियां हैं, महकमा इफ्ता है, इसी तरह अदालती निजाम है, जुडिशियल सिस्टम है। ये तमाम के तमाम इदारे मिले तो फिर एक खूबसूरत मुल्क इस्लामी निजाम को सामने रखते हुए बेहतरीन अशकाल के साथ इस्लामी सिस्टम की डेवलपमेंट करता हुआ दिखाई देता है। आज के इस टॉपिक से हमें मालूम हुआ कि दीन इस्लाम ने हमें बहुत सी चीज़ों की रहनुमाई के साथ साथ एक इस्लामी पॉलिटिकल सिस्टम की भी वजाहत की है, जो किसी मुल्क की तरक्की के लिए
किसी रियासत की फला के लिए, किसी ममलुकत की एक बेहतरी के लिए मुमिदो माविन साबित होता है। आज उम्मत मुस्लिमा अगर मिलकर अपनी जोग्राफियाई सरहदों से बालातर होकर, अगर यूरोप अपनी जोग्राफियाई सरहदों से बालातर होकर वेस्टर्न यूनियन बना सकते हैं, अगर वो तमाम एक जगह पे इकट्ठे होकर अपनी यूनिटी कायम कर सकते हैं, तो मुस्लिम भी आज अपनी इन तमाम चीज़ों को यूनिटी के साथ कायम करके पूरी दुनिया में एक बेहतरीन निज़ाम खिलाफत, एक पॉलिटिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो मुसलमानों की बका और मुसलमानों की अजमत और मुसलमानों को आगे बढ़ने और आज के दौर के तमाम क्राइसिस से निकालने के लिए बेहतरीन तजवीज़ होगी। और यही उम्मत मुस्लिमा की बका है। एक हूँ मुस्लिम हरम की पास बानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। इकबाल कहते हैं अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए कि मेरे मुसलमान को कांटा चुप गया है। ये दर्द, ये कैफियत, ये दुख अगर हाँ पूरी उम्मत मुस्लिमा का हो, तो हम एक मुस्लिम उम्मा बेहतरीन इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को दुनिया के सामने मुतारफ करा सकते हैं।